तो हमारे घर में जो है होने वाली है रुद्राभिषेक की पूजा, साथ में जो है उसके अलावा हमारे घर में होने वाला बहुत बड़ा फंक्शन, हमारे बेटे का आ रहा है बर्थडे। इसका जन्मदिन है, उसको लेकर के तैयारी करनी है, टेंट समझाने वाले से बात करनी है, जो कैटरिंग वाले हैं उनसे बात करनी है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए व्लॉग में। तो जी हमारा क्रियांश यहाँ पर बैठा हुआ खूब कर रहा है बदमाशी, और यहाँ पर जो है पूरा प्रसाद छिड़क दिया है, तो सारे प्रसाद को जो है साफ किया जा रहा है, और ये बिल्कुल चीटी लग जाएगा, उसे भी ये दूध का बोतल इधर उधर फेंक देता है, उससे चीटी आ जाता है घर में। ए क्रियांश नाश्ता कर ले, नाश्ता लग गया कहा नीचे, ठीक है लेते हैं, छोड़ दो यहीं, छोड़ दे, ठीक 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 चलो इन्हें जाएगा। उस सारा जो बिस्तर लगा हुआ है ना, सब उसको उसके ऊपर खेल रहा है। नहीं बदमाश, मार दिया नाली को। ए बदमाश, जवान है, छोड़ तो नहीं लग गया, अब हंसाने की कोशिश करेगा। हम्म, अब पति आ बबुआ ला The next day. तो अभी दिन के बज रहे हैं 10 और हमारे घर में सारा खाना पीना बन चुका है, तो आज घर में क्या बनाए दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ बना हुआ है दाल जो कि मैं गर्म कर रही हूँ, और इधर कटहल की सब्जी, प्याज के लिए आलू का भुजिया, आम की चटनी, और इधर सलाद है, रोटी है, रोटी में जितना चीटी लग गया है फिर से इसको गर्म करना पड़ेगा मुझे, और इधर चावल दूध उबल रहा है। अभी बज रहे हैं जी दोपहर के 12:30, जी हाँ 12:30 जो है काफी पहले बज चुका है, 10 मिनट आगे भी निकल चुका है, और फिलहाल चल रहा है जिया का खाना। तो जिया आज खाने में बनाई है कटहल की सब्जी और है सलाद, और साथ में आम की चटनी, आलू का भुजिया, आलू का भुजिया है, और चल रहे हैं हम अभी क्रियांश को लाने के लिए। खाना बहुत अच्छा लगा, मजा आया, परेशान कर रहा है सबको, आप ले आइए उसको। तो ठीक है क्रियांश को चलते हैं, चल करके नीचे चलते हैं, पहले ये लोग खाते हैं, फिर उस टाइम मैं पकड़ती हूं क्रियांश को, जब मैं खाते हैं तो ये पकड़ते हैं। तो क्रियांश नीचे एकदम जम के तबाही मचाया हुआ है, खूब तबाही मचा रहा है, इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं लेकिन ऊपर जाना ही नहीं चाह रहा है, ये चाह रहा है कि हम यहीं पर खेलते रहे। देख रहे हैं क्या करेगा, यहाँ से चढ़ेगा ऊपर, अब देखिए ऊपर जाने के बाद इसका स्टेप दिखाते हैं आपको, ऊपर जाने के बाद मिला एक ये मग, हाँ सोच रहा है किसी में तो पानी होगा, असल में मकसद है पानी ढूंढना, जब कुछ नहीं मिला बस ये देख रहे सब उठा लो, हाँ बहुत बड़ा हाथ है तुम्हारा, सब पकड़ लेगा, तो पकड़ो सारा, हो गया, और कुछ पकड़ना है बता, नहीं पकड़ा रहा, वो बोतल पकड़ रहा है, हो गया बस, हो गया नहीं पकड़ा है तो फेंक देंगे अब सब, छूट गया हाथ से, बस बस बस। A few moments later. यहाँ पे माँ का खाना लग चुका है, और क्या बोल रहे थे माँ, किसको भगाइएगा आप घर से, प्रयास तो भगा देना, वो जो है ना ज्यादा उपद्रव करता है, सोने का निशान है, मैं हरदम चाहता है कि हम नहाए ही पानी, सो जाएगा, हाँ सोएगा उसको लेकर, तू और तुम्हारा बेटा जाओ यहाँ से, हम तो नहीं जाएंगे, आप अपना पोता को ले जाइए। तो यहाँ पे क्रियांश को देख सकते, क्रियांश ये अभी लगा के 3 बार नहा चुका है, बम कर दीजिए क्रियांशी, बम करिए। तो यहाँ पे क्रियांश के पापा जो है आप ही के रहते हो सकता है, आप हर टाइम एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन आप 1 सेकंड हम नहीं छोड़ते हैं उसको, है देखिए उतरनेगा सिस्टम, आई कोई नहीं आई, बाप रे बाप, हमको लगता है 1 टंकी पानी आपका बेटा डेली बर्बाद करता है। मोहन जी कल मैं एक कमेंट देख रहा था, किसी एक का कमेंट आया था कि सबसे पहले अपने बच्चे को डिसिप्लिन बनाओ, मैनर्स सिखाओ, मैनर्स सिखाओ, तो सही बात कहा जी, ये कम से कम 20 से 25 साल का हो गया है, इसको डिसिप्लिन और मैनर तो सिखाना ही चाहिए, तब इसको डंडा दे करके पीट करके मैनर्स सिखाओ, 20 साल 25 साल के बच्चे को मैनर्स, और आपको अभी तक आपकी मुझे लगता है 25 या 30 साल की आप जरूर होंगे, लेकिन अभी तक आपको किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया, की बच्चों को लेकर के ऐसा कमेंट नहीं किया जाता है। अभी जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं ना, उसको स्पेशली 1 to 2 years के बच्चे जो होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि उसका जो दिमाग होता है उसको छोड़ दो कि कहाँ तक वो क्या कर सकता है, बड़ा होगा तो खुद ही वो उसको सारा कुछ सिखाया जाएगा, अभी वो बहुत छोटा है,
जो इसके मुंडन का गीत गा रहे धीरे चाकू छुड़ी चलई रे बबुआ जनो रुलई रे बबुआ के मौसी देबो विदाई ओई मां फुआ देबो लगाई बबुआ धीरे धीरे चाकू छुड़ी चलई रे रुलई रे। तो फाइनली जी अभी रूम से बाहर आए हैं और हमारा बेटा जो है सो गया है। इतना तबाही मचा है आज पूछिए मत। असल में उसको आई हुई थी नींद और साथ में उसको था खेलना भी, तो उसको खेलना भी था और नींद भी, तो दोनों चीज साथ करना था, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर रहा था। तो उसको हम और जिया लेकर के गए और वहाँ जो है सो गया है। इस समय जो है जिया की सूट का समय होता है, इसी समय में जिया सूट करती है जब वह क्रियान सो जाता है। लेकिन आज जिया को कमर में बहुत तेज दर्द है, तो आज जो है उसका सूट करना मुमकिन बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो फिर भी करी थी, नहीं नहीं हम करेंगे क्योंकि अभी मौका मिला है, फिर जग जाएगा, फिर जो है बाद में मौका नहीं मिलेगा। होता है ना जी, जिनका भी कोलैबोरेशन लिया होता है इंस्टाग्राम पर, जो सब भी आता है, वो सब भी चाहते हैं कि समय पर उनका वीडियो जो है डल जाए, तो इसी वजह से जो है कोशिश किया जाता है कि उनको समय पर मिल जाए। लेकिन आज सिचुएशन ही ऐसा है, तो उसके बाद जो है किसी तरह से वो तैयार भी हो गए, नहीं हम ठीक है कम से कम एक या दो वीडियो तो शूट कर ही लेंगे। लेकिन फिर क्या पता चला कि जिस टेलर की हम लोगों ने कपड़ा दिया हुआ था उन्होंने दिया ही नहीं आज, मतलब वो थे ही नहीं अपने दुकान पर क्योंकि हम गए हुए थे वहां पर। ऐसा कुछ स्थिति हो गया तो आज जिया का काम नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसा करो, इस मौके का फायदा उठाओ, जाके आराम से सो जाओ, हम भी चल करके नहाएंगे क्योंकि अभी तक नहाने का हमको मौका नहीं मिला है, तो चलते ही चल करके नहाते हैं। करना हमको काम था क्योंकि मैं काम करने भैया के कारण जो कपड़ा मिल नहीं रहा मुझे। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम एक आध दिन होता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। और क्रियांश हमारा जो है सो करके उठ भी गया है, मुश्किल से सोया है, लगभग दो घंटा डेढ़ घंटा सोया है। अच्छा, इसका नींद एकदम हो गया है पूरा। और आते ही कहता है इस रूम में ना एक एग्जॉस्ट है, देख रहे हैं वो छोटा सा जो पंखा है, उसको कहेगा ये चलाने के लिए। हाँ वो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट है, तो उसको कहेगा चलाने के लिए, तो उसको चला दिया जाता है, खुश हो जाता है। ये देखिए हम इसको चला दें, अब देखिएगा इसके लिए ये हो गया, तो बहुत खुश हो जाता है क्रियांश। वाह 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 क्रियांश, वाह क्रियांश, वाह। और अभी बज रही थी शाम के 4:30, और जो है हम लोगों को मार्केट में निकलना है, और मार्केट निकलने के साथ साथ जो है कुछ काम भी बचा हुआ है और कुछ तैयारी भी करनी है। घर में एक बड़ा फंक्शन आने वाला है, जी हाँ, तो हमारे घर में जो है होने वाली है रुद्राभिषेक की पूजा, साथ में जो है उसके अलावा हमारे घर में होने वाला बहुत बड़ा फंक्शन, हमारे बेटे का आ रहा है बर्थडे। बिल्कुल जी, तो हमारे बेटे का जो है दूसरा साल हो जाएगा इसी मई में, जल्दी बच्चे बड़े हो जाते बिल्कुल ऐसे हंसते खेलते जो है यह बड़ा हो गया है। इसका जन्मदिन है, उसको लेकर के तैयारी करनी है, टेंट समय आने वाले से बात करनी है, जो कैटरिंग वाले उनसे बात करनी है, जो रसोई है भाई साहब उनसे बात करनी है, तो सबसे एक करके जो बातचीत करना स्टार्ट किया जाएगा। वो देखो चला गया, बाथरूम चला गया, जल्दी कोई नहीं पकड़ो उसको। तो ऐसा करते हैं जी, अब इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें, हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।